दोस्तों आज की कहानी है मम्मी जी रेडीमेड स्वेटर खरीदने की हैसियत भी तो होनी चाहिए। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी जी पियू पूरे अपार्टमेंट में सबको अपनी कैंप और स्वेटर जाकर दिखाई कि ये देखो ये कैंप और ये स्वेटर मेरी दादी माँ ने अपने हाथों से बनाया है और सुबह से पहने घूम रही है, निकाली नहीं रही। सताक्षी ने वीडियो कॉलिंग में अपनी सासू माँ संजना को बताया। अच्छी बात है सताक्षी बेटा कि उसको अपनी दादी माँ के हाथ के बने उनके स्वेटर और कैंप पसंद आ रहे हैं, वरना आजकल के बच्चे तो हाथ के बने स्वेटर पहनना ही नहीं चाहते। संजना फोन पर बोली, अरे नहीं मम्मी जी पियो तो इतनी ज़्यादा खुश कि कुछ पूछिए ही मत। सताक्षी एकदम से जैसे सहक कर बोली, संजना को शुरू से ही हाथ के स्वेटर वगैरह बनाना बहुत पसंद था, जहाँ परिवार के सभी लोग रेडीमेड स्वेटर पहनने में अपना स्टेडन समझते, वहीं संजना अपने बच्चों के अपने हाथ से तरह तरह के डिजाइन डाल कर स्वेटर बनती। कुछ लोग उसकी प्रशंसा भी करते और कुछ लोग उसको कंजूसी का भी नाम देने में गुरेज नहीं करते और साथ ही साथ संजना की मजाक बनाने से भी नहीं सूखते। अरे भाई रेडीमेड स्वेटर खरीदना सबके बस की बात नहीं होती, उसके लिए भी तो हैसियत चाहिए होती है। इनके बस की बात ही नहीं रेडीमेड स्वेटर वगैरह खरीदकर बच्चों को पहनाना, क्योंकि संजना मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखती थी और वह अपनी परिस्थिति के अनुसार रुपये पैसों को सोच समझकर खर्च करना जानती थी। अब तीन बेटे तो जितने भी एक रेडीमेड स्वेटर आता उतने में लगभग तीनों के स्वेटर तैयार हो जाते थे और वह जाड़े में अपने बच्चों की स्कूल ड्रेस के स्वेटर और कैंप और भी बहुत सुंदर सुंदर स्वेटर बनाती, लेकिन उसको किसी की भी बात का बुरा नहीं लगता क्योंकि वह तो अच्छी तरह से अपनी परिस्थिति को जानती थी। पीयू के लिए भी संजना खूबसूरत स्वेटर बनाती और सताक्षी बहुत खुश होकर पीयू को पहनाती भी, लेकिन अब पीयू थोड़ी समझदार और सलीम थी और इस बार जब उसकी पोती पीयू दीपावली में घर आई तो उसने पीयू के लिए फिर से अपने हाथ से खूबसूरत स्वेटर और कैंप बनाकर दी थी। वैसे तो बेंगलोर के मौसम का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन इधर दो दिनों की बारिश के कारण काफ़ी ठंड बढ़ गई तो सताक्षी ने पीयू को स्वेटर पहनाकर कैंप लगा दी। मम्मा मैं सबको दिखाकर आती हूँ कि देखो मेरी दादी माँ ने अपने हाथों से मेरे लिए कितना खूबसूरत स्वेटर और कैप बनाई है। अब तो पीयू ये गई वो गई अपार्टमेंट के सभी दोस्तों को दिखाने के लिए, लेकिन सताक्षी पीयू है का संजना ने पूछ ही लिया क्योंकि वीडियो कॉलिंग हो और पीयू अपनी दादी माँ से बात ना करे ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मम्मी जी अभी तो वो बाहर ही है दोस्तों के साथ, सबको अपनी दादी माँ की कारीगरी के बारे में बता रही होगी, लेकिन तभी एकदम से डोरबेल बज उठी, लीजिए शायद आ गई आपकी लाडली। थैंक यू दादी माँ इतने खूबसूरत से स्वेटर और कैंप के लिए, मेरे सारे दोस्त बहुत खुश हो रहे थे ये सब देखकर। पीयू ने जड़ से सताक्षी के हाथ से फोन लेकर कहा, सचमुच बड़ी प्यारी लग रही है मेरी लाडू इस ड्रेस में। संजना सिया कर बोली, आखिर मेरी ये ड्रेस बनाई किसने है मेरी प्यारी।
सी दादी माँ ने इतना कहकर पीयू खिल खिला उठी और संजना भी पीयू की खुशी में खुश हो गई। वैसे तो आजकल हाथ के बनाए स्वेटरों का सलन सना समाप्त हुआ जा रहा है, लेकिन जो प्यार और दुलार हाथ के बने स्वेटरों में महसूस होता है वो शायद भावनाएं रेडीमेड में नहीं। मैंने तो अपने बच्चों को अपने हाथों से खूब स्वेटर बना बना कर पहनाए हैं और अब पोती के लिए भी बना।